नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा केंद्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कमीशन बेहद सख्त होता दिख रहा है। फिर एक आईपीएस अधिकारी को हटाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है। इस बार मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी श्री मुकेश को हटाने का निर्देश जारी किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस निर्णय पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गत वर्ष रामनवमी उत्सव को केंद्र कर हुए सांप्रदायिक हिंसा को सामने रखकर कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जय सेन गुप्ता ने कहा कि 200 से अधिक लोग शोभा यात्रा में नहीं होंगे शामिल, नहीं होंगे कोई भी अस्त्र शस्त्र। रामनवमी के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा हावड़ा के बी कॉलेज के एक नंबर गेट से लेकर रामकृष्णपुर घाट तक ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर का आईटी विभाग द्वारा जांच किए जाने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया है। कहा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। इस पर मुख्य चुनाव आयोग ने कहा, ये हेलीकॉप्टरों की रूटीन चेकिंग है, विशेष निर्देश की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रामनवमी के दिन हिंसा होने की आशंका जताई और अपने लोगों को संयम रखने की अपील की है, क्योंकि एक ओर हिंसा होगी और दूसरी ओर एनआईए को बुलाया जाएगा। ये बातें कूचबिहार के चुनावी सभा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। इस पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाया है। नाका चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता के कार से बरामद हुआ 9 लाख रुपए नकद। ये मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का है। इस जिले में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसी बीच माल बाजार में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने बीजेपी कन्वेनर राकेश नंदी की गाड़ी से तकरीबन 9 लाख रुपए बरामद किए। सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को दी विशेष तवज्जो। सीपीएम का 18वें लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से लेडीज स्पेशल घोषणा पत्र देखा गया। इस बार सीपीएम ने बोलपुर, श्रीरामपुर, दक्षिण कोलकाता, आसनसोल और झाड़ग्राम लोकसभा केंद्र से महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अगर इन केंद्रों से सीपीएम जीतती है तो महिलाओं के लिए स्वाभिमान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड चक्की फ्रेश आटा। आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।